चलिए जी शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको डेली रेसिपी की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए जी बनाते हैं पकौड़ा। सबसे पहले बॉल में मैं डालती हूँ 2 मीडियम साइज के प्याज, इनको मैंने बारीक सा काट लिया है, और इसमें डालती हूँ सबल मिर्च। सबल मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पे 2 से 3 अदरक लिए। अनारदाना मैंने 1 खाने का चम्मच लिया है, और धनिया भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से जितना चाहें ऐड कर सकते हैं। अब मैं डाल दी इसमें बेसन। बेसन जो है वो मैं अभी फिलहाल थोड़ा ही यूज करूँगी, क्योंकि प्याज के पकौड़े हैं तो प्याज के पकौड़ों में बेसन ज्यादा अच्छा नहीं लगता। फिलहाल मैं यहाँ पे 3 से 4 टेबल स्पून डाल रही हूँ खाने के। अब जाएंगे इसमें स्पाइसेस। स्पाइसेस में मैंने 1 खाने का चम्मच सूख मिर्च पाउडर लिया है, 1 चाय का चम्मच मैंने यहाँ पे नमक लिया है, आप 1 चाय का चम्मच मैंने यहाँ पे हल्दी ली है, 1 चाय का चम्मच मैंने यहाँ पे सूखा धनिया पाउडर लिया है, और 1 चाय का चम्मच मैंने यहाँ पे जीरा पाउडर लिया है। ये सब इसमें डाल दिए मैंने। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें डालूंगी 1 खाने का चम्मच कसूरी मेथी, इसको मैं हाथ में डाल लेती हूँ, मसल के इसमें डाल देती हूँ, और इसमें डालती हूँ 1 चाय का चम्मच लेमन जूस, और इसमें जाएगा 1 पिंच बेकिंग पाउडर। दोनों साइड से हमारे प्याज के पकौड़े जो है फ्राई हो गए, मुझे यहाँ पे तकरीबन 6 से 7 मिनट लगे। अब मैं इनको निकालती हूँ। लीजिए हमारे मजेदार से क्रिस्पी प्याज के पकौड़े हो गए हैं तैयार। आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा कि कैसे बने हैं। हमें दीजिए इजाजत, हम मिलेंगे आपसे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।